नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार के 15 प्रमुख खबरों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि बिहार में कब 1600 पदों पर नई बहाली होगी। फिर जानेंगे कि किस तरह कोरोना वैक्सीन के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। बीपीएससी के छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत। देश में 7,54,00,000 किसानों को भेजी गई सम्मान राशि। नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगी। मुफ्त में कोरोना वैक्सीन के बारे में, साथ ही जानेंगे राज्य में हड़ताल में गए डॉक्टर के बारे में। बिहार में ठंड कब से बढ़ सकती है। कोरोना अपडेट के बारे में। बिहार में निजी बोरिंग कराने के अब लेना होगा लाइसेंस। और फिर जानेंगे कि नीतीश कुमार के 6 विधायक किस तरह बीजेपी में शामिल हुए। तो फटाफट से एक लाइक इस वीडियो को जरूर कर दे, और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। और वीडियो के अंत में एक आपसे सवाल पूछा जाएगा, जो भी उनका सही आंसर देंगे किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। सबसे पहली खबर, पंचायती राज विभाग में 1600 पदों पर बहाली, जाने योग्यता और तिथि। हाँ, बिहार में नौकरी करना चाहते हैं तो बिहार सरकार नए साल पर युवाओं को बड़ा तोहफा दे सकती है। खबर के मुताबिक बिहार के पंचायती राज विभाग में खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। नए साल के पहले महीने ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ताजा रिपोर्ट के अनुसार विभाग के निदेशक चंद्रशेखर सिंह ने पंचायती राज विभाग में खाली पड़े पदों को भरने के लिए जिला अधिकारियों को पैनल बनाने का आदेश दिया है। जैसे ही पैनल बन जाएगा, भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक पंचायती राज विभाग प्रखंड व पंचायत कार्यालय के करीब 1600 पदों पर भर्ती करेगा। इसकी पूरी डिटेल्स नोटिफिकेशन में दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि प्रखंड व पंचायत कार्यालय के पदों के भर्ती के लिए उम्मीदवारों की योग्यता 12वीं पास निर्धारित की जा सकती है। बीपीएससी पीटी अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल 4 इंटरसिटी और 3 मेमू ट्रेनों का पूरा शेड्यूल जानिए। ठंड, कोरोना, ट्रेनों की कमी की वजह से बीपीएससी पीटी अभ्यर्थियों को होने वाली कठिनाई पर मीडिया लगातार बात कर रही है। इसका एक और बड़ा असर हुआ है। पूर्व मध्य रेलवे ने शनिवार 26 दिसंबर से प्रमुख शहरों के बीच 4 जोड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन तथा 3 जोड़ी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये स्पेशल ट्रेनें वर्तमान में चलाई जा रही इंटरसिटी स्पेशल पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त है। इनमें यात्रियों को मास्क पहनने के साथ ही कोविड-19 से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि नई ट्रेनें चलाए जाने के बाद वैसे कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा देने का मन बना लिया है। जिन्होंने परीक्षा नहीं देने का निर्णय ले लिया था, उन हजारों परीक्षार्थियों ने भी राहत की सांस ली है, जिनका सेंटर घर से 400-450 किलोमीटर दूर दे दिया गया था। पड़ोसी राज्य झारखंड से आने वाले परीक्षार्थियों को भी राहत मिलेगी। आयोग ने सिर्फ महिलाओं और दिव्यांगों को गृह जिले में सेंटर दिया है। अब कोरोना वैक्सीन के नाम पर शुरू हुई ठगी का नया खेल। फेक हेल्थ अफसर के झांसे में ऐसे बचे छात्र, आप भी सतर्क रहे। जी हाँ, कोरोना कहर के बीच अब ठगों ने कोविड वैक्सीन को ठगी का नया हथियार बनाया है। भोपाल में एक छात्र को वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा के नाम पर ठगी का शिकार बनाने का प्रयास किया गया। आरोपी ने छात्र को जल्दी रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर वैक्सीन खत्म होने का झांसा देते हुए ओटीपी नंबर मांगा था। हालांकि छात्र की समझदारी से वह ठगी का शिकार होने से बच गया। उसकी इस शिकायत सावेर सेल में की गई है। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन फीस के ₹500 भरे जाने हैं, बाकी रुपए वैक्सीन लगाने के दौरान लिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके मोबाइल पर ओटीपी नंबर आएगा, उसको उसे शेयर करना है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस तरह छात्र को कॉल करके ठगी करने का शिकार बनाया जा रहा है। आप सावधान रहे, सतर्क रहे और दूसरों को भी ये बात जरूर बताएं। बिहार के किसानों को दिए 142 करोड़। पीएम ने 7,54,00,000 किसानों को भेजी सम्मान राशि। रजिस्ट्रेशन धीमा होने से 40,00,000 अब भी कर रहे हैं इंतजार। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के 7,54,000 किसानों के बैंक खाते में कुल 142 करोड़ की राशि दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बटा दबा कर यह राशि भेजी है। पटना के बिहार कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान में इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें किसान इनोवेटर के साथ ही सभी जिलों से कुल 250 लाभार्थी पहुंचे थे। इस दौरान बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद थे।
लोहिया पद चक्र में 49 रास्ते ड्रीम प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम की नीतीश कुमार, बोले एक साल के भीतर पूरा हो जाएगा काम। जी हां, सीएम नीतीश कुमार शुक्रवार को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट लोहिया पद चक्र का निरीक्षण के लिए बेली रोड पहुंचे। ललित भवन के पास उन्होंने कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आईआईटी दिल्ली का यह प्रोजेक्ट उन्हें काफी पसंद आया था। निरीक्षण के दौरान सीएम ने कहा कि 10 साल पहले ही पता चल गया था कि यहां की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अलग तरह की पुलों का जाल चाहिए। इस वजह से आईआईटी दिल्ली का यह प्रोजेक्ट बिल्कुल नया और अलग दिखा। यहां की बढ़ती ट्रैफिक व्यवस्था को देखकर लगता था कि ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिसे लोगों को हर जगह जाने के लिए अलग रास्ता चाहिए, उसी के हिसाब से यह प्रोजेक्ट था। इस वजह से ही इसका नाम लोहिया पथ चक्र रखा गया। आपको बता दें कि देश में सबसे पहले बिहार ने ही इसे अपनाया है। लोहिया पथ चक्र में 49 रास्ते रखे गए। मीडिया से बातचीत में सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि अगले साल के दिसंबर तक लोहिया पथ चक्र का काम पूरा हो जाएगा। दरभंगा एम्स में अगले साल से MBBS की पढ़ाई, बिहार के सभी लोगों को मुफ्त में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। जी हां, दरभंगा एम्स में सत्र 2021-22 से 50 सीटों पर MBBS की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यह घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दरभंगा में की। अश्विनी चौबे ने गुरुवार की शाम DMCH परिसर में दरभंगा एम्स के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने यहाँ केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी के साथ एम्स निर्माण को लेकर बैठक की। अश्विनी चौबे ने COVID-19 के वैक्सीन वितरण की तैयारियों को लेकर भी अधिकारियों से बात की, चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। बिहार में अभी शीतलहर की स्थिति नहीं, 28 के बाद ठंड के आसार। जी हां, बिहार में अभी शीतलहर की स्थिति नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार अभी स्थिति सामान्य बनी रहेगी। अगले 24 से 48 घंटे तक मौसम सामान्य बना रहेगा। एक नया और प्रभावी विक्षोभ 26 दिसंबर के आसपास पश्चिमी हिमालय की ओर से आने का अनुमान है, जिसकी वजह से 28 या 29 दिसंबर के तापमान में गिरावट होने का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहा है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों का न्यूनतम तापमान 7 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ, जो अभी सामान्य से 1 से 2 डिग्री कम है। डॉक्टरों पर कानूनी कार्रवाई करेगी बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया नो वर्क नो पे का ऑर्डर। बिहार के अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण वार्ड में मरीज तड़प रहे हैं। इलाज के अभाव में अब तक कई लोगों की जान भी चली गई है। डॉक्टर के हड़ताल को लेकर बिहार सरकार अब सख्त हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कानूनी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा नो वर्क नो पे का भी ऑर्डर जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव कौशल कुमार की ओर से आ गया कि अगर OPD और इमरजेंसी सेवा में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आएगी तो उसके लिए दोषी डॉक्टर के खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई यानी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज को यह आदेश जारी किया है कि हड़ताल के दौरान नो वर्क नो पे लागू रहेगा। इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज को प्रतिदिन खैरियत प्रतिवेदन भेजने का भी आदेश जारी किया गया है। बिहार में निजी बोरिंग कराने के लिए अब लेना होगा लाइसेंस, सरकार उठाने जा रही है सख्त कदम। जी हां, बिहार में अब निजी बोरिंग कराने से पहले लाइसेंस लेना होगा। सरकार भूमिगत जल के बेतहाशा बर्बादी पर पाबंदी लगाने जा रही है। राज्य सरकार के निर्देश पर लघु जल संसाधन विभाग ने संशोधित नियमावली तैयार किया है। बताया जा रहा है कि इसकी स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में जल संकट और दुरुपयोग को देखते हुए नियमावली बनाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि इसका ड्राफ्ट लघु जल संसाधन विभाग ने केंद्रीय ग्राउंड वाटर बोर्ड के सहयोग से तैयार कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई भी बिना लाइसेंस लिए बगैर बोरिंग कराता है तो उसके खिलाफ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बिहार के सभी बोरिंग की मैपिंग भी कराई जाएगी। इससे सरकार के बाद एक आंकड़ा रहेगा, इसकी भी पता लगाया जा सकती है कि गहराई और पानी का लेवल कितना है। बिहार के सभी सिविल कोर्ट 1 जनवरी तक बंद, नहीं होगी कोई भी सुनवाई। जी हां, क्रिसमस और नए साल की छुट्टी को लेकर बिहार के सभी सिविल कोर्ट अब एक सप्ताह के लिए बंद हो गए हैं।
25 दिसंबर से 1 जनवरी तक राज्य के किसी भी सिविल कोर्ट में किसी भी मामले की सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि जिला और अनुमंडल स्तर की सभी निचली अदालत में छुट्टी रहेगी। बिहार के सभी सिविल कोर्ट क्रिसमस के अवसर पर 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक बंद रहेंगे, जिसे देखते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेजने जाने के लिए न्यायिक पदाधिकारियों के विशेष रूप से प्रतिनियुक्ति की गई है। छुट्टी के बाद जब कोर्ट खुलेगा तो 2 जनवरी से पटना न्यायमंडल की अदालत 1 दिन के अंतराल के बाद फिजिकल रूप में काम करेगी। नीतीश कुमार को भाजपा ने दिया बड़ा झटका, जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल। जी हां, बीजेपी ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे दिया है। जेडीयू के 6 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बिहार चुनाव के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार को जोरदार का झटका दिया है। बीजेपी में शामिल होने वाले सभी 6 जेडीयू विधायक अरुणाचल प्रदेश के हैं। जेडीयू विधायक के नाम तालेम तबा, जिक्के तोंगो, हायंग मंगपी, तोरजी वांगडी, खरमा डंगसियो, कांगोवो ताकु शामिल है। वहीं पीपीए का एक विधायक कार्डो नियोगो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अप्रैल 2019 में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ था। इसमें बीजेपी और जेडीयू ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। जेडीयू 15 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 7 सीटों पर चुनाव जीत गए थे। वहीं बीजेपी 41 सीटों पर चुनाव जीती थी। यहां पर कुल 60 सीटें हैं। बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियोजन की अब एक ही दिन की काउंसिलिंग। जी हां, शिक्षा विभाग 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन के मामले में अब फूक फूक कर कदम उठा रहा है। अंतिम मेरिट सूची प्रकाशन का शेड्यूल जारी होने के बाद अब वह काउंसलिंग के लिए रणनीति बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बार काउंसलिंग कैंप के जरिए कराई जा सकती है। अभ्यर्थियों को इसके लिए एक ही दिन का मौका दिया जाएगा। सभी जगह काउंसलिंग एक साथ कराई जाएगी, इससे कम अंकों वालों को भी भाग लेने का अवसर मिल सकेगा। 42 रुपये प्रतिमाह भरे और पाए पूरी जिंदगी पेंशन। वर्तमान में बेहतर जिंदगी जीने वाले अक्सर भविष्य की भी चिंता करते हैं। इसी तरह की चिंता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार योजनाएं लेकर आई है। करोड़ों लोगों ने अपना भविष्य सुरक्षित और मजबूत करने के लिए अटल पेंशन योजना को चुना है। अटल पेंशन योजना के जरिए आप अपना भविष्य बेहतर कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना के जरिए केंद्र सरकार मौका दे रही है कि असंगठित क्षेत्र अपना भविष्य सुरक्षित कर सकती है। यह एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम है। इस योजना के तहत सरकार आपके रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन देती है। 18 साल से लेकर 40 तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकता है। यह आप पर है कि आप कितनी जल्दी अकाउंट खोलकर भविष्य के लिए पैसे जमा करने शुरू करते हैं। आपको बता दें कि अगर आप इस उम्र में हर माह 42 रुपया जमा करते हैं तो 60 साल की उम्र में आपको 1000 रुपये प्रति माह मिलेगा। अगर आप 210 रुपये प्रति माह भरते हैं तो आपको 5000 रुपये मिलेंगे। अगर रिटायरमेंट से पहले कोई घटना घटती है तो आपके परिवार वाले इसे जारी रख सकते हैं और यह आपके परिवार को आर्थिक मदद करता है। किसानों पर लाठी चार्ज के खिलाफ पटना में जाप ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जी हां, पटना में कृषि कानून के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में धरने रहे किसानों पर किए गए लाठी चार्ज के विरोध में जाप नेताओं ने कारगिल चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। बता दें कि जाप के द्वारा बड़ी पहाड़ी गया मोड़ पर पप्पू यादव के नेतृत्व पर पिछले एक सप्ताह से धरना चल रहा था। धरना के अंतिम दिन किसान न्याय मार्च के दौरान राज्यपाल से मिलने जा रहे किसानों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। जाप के राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू यादव ने कहा कि किसानों के ऊपर बर्बर लाठी चार्ज कुशासन राज्य के पुलिस प्रशासन की कायराना हरकत है। इसके लिए जिम्मेदार और दोषी पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 640 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 249,976 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 5,838 कोरोना के एक्टिव मरीज है। वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 273 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना से 4 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1371 तक पहुँच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटे के भीतर 522 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। आज के लिए आपका सवाल, बिहार के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।